खबर मध्य प्रदेश के दतिया जिले से है, जहां लगभग एक माह से अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रही आशा सहयोगिनियों से जुड़ी हुई है, जिसमें अपनी मांगे पूरी ना होने पर अपनी इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को भूख हड़ताल में बदलने की रणनीति से जुड़ी हुई है। पत्रकारों से बात करते हुए इन महिला कर्मियों ने बताया कि हमने भी इस महामारी नियमित कर्मचारियों की तरह घर घर जाकर सर्वे किया, लोगों को इस महामारी से बचने के सुझाव दिए, अपनी जान को जोखिम में डाल अपने कर्तव्य को निभाया, लेकिन वेतन मान को लेकर हमें आज तक किसी भी प्रकार की पदोन्नति या अभी तक वेतन वृद्धि एवं पभत्ते से नहीं नवाजा गया। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 21 जून को दतिया आए तो पुलिस ने हमें बंधक बना लिया, यहाँ तक कि हमें अपनी बात करने का मौका भी नहीं दिया। आखिर क्या कुछ कहना है आशा सहयोगिनी कार्यकर्ताओं का, देखिए ये रिपोर्ट। प्रशासन से हमारी हाथ जोड़कर यही मांगे हैं कि हम लोगों को एक नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जो सरकारी कर्मचारी को सैलरी देते हैं उसी के आधार पर हम लोगों को भी एक निश्चित सैलरी दी जाए, जिससे कि हम अपने परिवार का भरण पोषण ठीक तरीके से कर सकें। इस कोरोना काल में आशा सहयोगी सभी बहनों ने मिलकर बहुत मेहनत की, अपनी जान को जोखिम में डालकर देश की सुरक्षा के लिए सारी सर्वे घर घर जाकर हर हितग्राही हर ग्राम के व्यक्ति को सभी सुरक्षा प्रदान की, और बस यही हम लोगों की शासन से निवेदन है कि यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगी, और इसके आगे हम लोग और ज़्यादा प्रदर्शन करें। हमारे जो विधायक हैं माननीय श्री नरोत्तम मिश्रा जी, हम लोगों ने उनको दो बार ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने हम लोगों को यही आश्वासन दिया कि हम ऊपर जाकर आगे ऊपर बैठक में आप लोगों की चर्चा करेंगे, बस यही आश्वासन दिया। हम लोगों की यदि मांगों में सरकार नहीं सुनेगी तो भूख हड़ताल, और यहाँ तक हम लोग जुलूस निकालेंगे और चक्का जाम करेंगे। वैसे तो हमारा यही निवेदन है कि एक सरकारी कर्मचारी पुलिस वाले हैं, उन्हें आम जनता और आशाओं के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए जो उन्होंने आशा बहनों के साथ बदतमीजी से व्यवहार किया। हाँ, ये बात सही है, हम लोगों को बंधक बनाया गया था और वहाँ पर हम लोगों को घेर के रखा गया था, जब तक जो आए थे मंत्री जी जब तक वो गए नहीं, जब तक हम लोगों को निकलने नहीं दिया, यहाँ तक कि पानी वानी किसी के कारण भी नहीं, कि भूख लग रही हो तो कुछ लेके खा भी सके। किया था दो आशाओं ने तो पुलिस वाले पकड़ के जबरदस्ती ले आए थे उनको। इस तरीके की बदतमीजी करने का पुलिस वालों को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो वो आम जनता की सुरक्षा के लिए यदि वो ऐसा करेंगे तो आम जनता क्या कर सकती है। दतिया से लोकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट।